So, welcome back guys again to my another vlog. Dunno. तो आज के ब्लॉग में हम लोग फिशिंग करने जा रहे हैं, वो भी द्विमुख पे। एक्चुअली ये जगह प्राइवेट है, चाचा का है, यहाँ पे अलग लोग का अलाउड नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ मारेगा आगे, उसके बाद नहीं मिलने से इधर मारेगा यहाँ पे। लेकिन मछली बहुत दिखाई मिल रहा था, वो अच्छा से स्वागत नहीं किया था। तो आई होप कि सब ठीक होंगे। और मेरा मामा रोज इतना काम, फर्स्ट मछली पकड़ने जा रहे हैं। पर्स मिस, हमारा पर्स मछली छोटा है ना। सो गाइस, कैमरामैन कान भाई के साथ हमारा पर्स मछली पकड़ चुका है। सो अभी हम लोग कहीं और जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 kg वाला मछली मिलता है वाला। आई गेस मिलना चाहिए, और अभी उसको बाल्टी मिलने से बाल्टी में रख लेगा। सो लेट्स गो गाइस, अभी वो से जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा वाला मिलता है वाले। मेरा हाथ में सामान है, हमारा पर्स पोखरी ये साइड में था, ये बड़ा है, सबसे बड़ा है। सो लेट्स गो, और कितना मिलता है देखते हैं। चाचा जी का पोखरी है, आई मीन फिश पॉन्ड, मत गली ने विदाउट परमिशन आ गया। सो गाइस क्या बोलेगा, वेदर बहुत गर्म है, नहीं सोचा था। ठीक ही है, नॉर्मल ही है, बट पसीना बहुत आ रहा है। वो उधर में चारा बेचा रहा है। लेट्स सी, और मछली मिलने से ठीक है, और स्पेशली बड़ा वाला कि कोई लोग पहुंचा देगा। बट यूजली हमको मछली खाने इंटरेस्टेड नहीं है, बट पकड़ने बहुत बढ़िया लगता है। वो तो मोस्ट ऑफ द पीपल लोग ऐसे होते हैं ज़्यादातर। सो आई होप कि मछली ज़्यादा मिले, देखते हैं। सो आगे मिलते समय मिलते हैं। ओ सोलो 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 निकल गया क्या? अय्या वीडियो बनाएगा और फोटो खींच। गाइस वंस अगेन हम लोग ने, यह हमारा सेकेंड पीस है, इतना भी भरा नहीं है, बट चल जाएगा देखो। इसलिए तुम्हें मालूम नहीं होता तुम्हें अभी। लेकिन टेस्टी वाला है ये, डार्क लोकल वाला है। वंस अगेन ये टॉट मछली है हमारा, और सबसे छोटा मछली है, बोतल से पकड़ा है। थोड़ा बाद में और मिलेगा वो छोटा वाला। एंड गाइस थोड़ा बात और मिलेगा। सो अभी हम लोग दाना बना रहे, मिलते हो फोर्थ मछली में। सो गाइस वो इधर से हम दौड़ के आए इसको लेने के लिए। तो ये हमारा फोर्थ, बोले तो हाँ फोर्थ मछली है।
चार अभी ये 4 नंबर है, 5th मछली में मिलते हैं। सो गाइस ये ज्यादा ही चौथा हो गया था, जा लो जी लो बत्ते बड़ा हो जा, उसके बाद आएगा तुमको लेने। बाय बाय, ज्यादा ही चौथा हो गया था, इतना तो था बत्ता भी, उसको पा के क्या ना मिलेगा। ओए सो गाइस, एज़ यू कैन सी वेदर का हालत ऐसे है जो कि बारिश आने जा रहा है और हमें अपना 5वां मछली मिल चुका है। सो गाइस ये देखिए, ये मर गया बड़ा वाला, ये लोग पूरा नॉन ट्राइबल है, आई मीन नॉन लोकल लोग है, और ये सबसे छोटा वाला अभी तक जिंदा है। ये ताट पकड़ा था, अभी तक देखो अभी तक जिंदा है। मेरा मछली पकड़ने का स्पॉट यहाँ पे है, गच्ची के सामने में दिख कि अच्छाया भी है और मछली भी बहुत घूम रहा था। सो गाइस लेट्स गो, साथ ना हो वो प्रार्थना करते हैं। सो ये गाइस बहुत ताकत था, आप लोग एज यू कैन सी गिल्स में पकड़ना चाहिए नहीं तो ये लोग भाग जाते हैं। क्यों रो है क्या पता नहीं, मर गया ये तो, इधर गिल्स में घुसा। सो गाइस आगे भैया एक था और तीन मछली ले, चार पीस मछली ले गया, उसमें बड़ा बड़ा था और ये अभी जस्ट पकड़े। वाह ये तो बड़ा है दे, और हमें पूरा चौताला छोड़ के चला गया ये, लेकिन अभी जस्ट पकड़े हैं। देखो कितना बड़ा है, अभी इस साइड से, ये साइड से अभी तक नहीं पकड़े। सो गाइस एज़ यू कैन सी बारिश आ रहा है और बारिश में तो मछली मिलना नामुमकिन है, या पूरा काला भी हो गया, सनबर्न हो गया, देख लो बारिश पूरा आ रहा है। अभी तो मछली मार के भी फायदा नहीं है, सो जितना मिला है उसके साथ जाना पड़ेगा। आगे रोटी खा लेते हैं, रोटी लेने गया था। सो लेट्स सी और मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या तो बारिश के लिए रुकेगा। सो एज यू कैन सी गाइस अभी जस्ट प्रेस अप हो गया है, क्योंकि प्लेन जो हम लोग का बोलते बोल हो गया था, लाइक 2:30 से बारिश आना शुरू हो गया था, स्टॉप हुआ ही नहीं। हमने सोचा कि एटलीस्ट 3 बजे तक स्टॉप हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो इसी कारण हम लोग 3:10 अराउंड में हम लोग निकल गया उधर से, पैर निकल के मामा को ड्रॉप करके खाना खा के उधर से आया और फिर यार प्रेस अप किया। अभी तो बज रहा है 7 PM या 7 PM, तो अभी प्रेस अप करके। सो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, सावधान रहे सतर्क रहे, जस्ट किडिंग, सायोनारा गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वंस अगेन, या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, एंड स्पेशली डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस एंड लाइक कॉमेंट टॉक दीजिए। सो गुड नाइट गाइस एंड सायोनारा गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। Thank you.